एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर, ध्यान देना यहाँ पर पुत्र की तस्वीर है और ये पुरुष है, ठीक है, और ये पुरुष जो है पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, यहाँ पर एक औरत है और पुरुष जो है पुत्र की ओर इंगित करते हुए औरत से कह रहे हैं, औरत से कहा कि उसकी माँ मतलब पुत्र की माँ, उसकी माँ का मतलब पुत्र की माँ, ठीक है, तुम्हारी माँ की मतलब औरत की माँ, तुम्हारी माँ का मतलब औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, इकलौती ये जो है इसके पुत्र की माँ जो है इस औरत की माँ की कौन है, इकलौती पुत्री है। अब ध्यान देना, अब इस पुत्र की जो माँ है इस पुरुष का इससे क्या संबंध है, पत्नी है इनकी, ठीक। अब ये औरत की जो माँ है, इन माँ की ये जो है पुत्र की माँ जो है इकलौती पुत्री है ना, तो इसका उल्टा आप देखिए एक बार, ये कौन है, ये इकलौती पुत्री है इनकी, तो इसका मतलब ये इनकी इस औरत की माँ हुई ना, ये इस औरत की माँ, ठीक, ये माँ हुई, तो इस पुरुष की ये पत्नी है और इनकी पत्नी की ये माँ है, तो इसका मतलब इस पुरुष का ये कौन है, सास है, ठीक, और सास है। तो अब इसके बाद इधर आ जाइए, ठीक, तो इनकी सास की ये इकलौती पुत्री है और ये पुरुष की ये पत्नी भी है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए इकलौती पुत्री है ना इनकी सास की, ये इनकी पत्नी, तो ये औरत कौन हुई, ये स्वयं हुई, ठीक, क्योंकि ये जिस औरत से कह रहे हैं ये इन्हीं की माँ है पुरुष की सास, ठीक, तो उल्टा ये आप देखिए, तो इसका मतलब ये जो माँ है इनकी ये कौन है, ये औरत पुत्री है, इकलौती पुत्री है, ठीक, तो ये कौन हुई, स्वयं, ठीक, तो ये जो है पुत्र की माँ हुई, इसका मतलब जब पुत्र की माँ होगी ये, तो पुरुष की ये औरत से क्या संबंध होगा, पत्नी का, पत्नी का, और हमें सवाल क्या करना है, पुरुष और औरत के बीच किस प्रकार संबंध है, तो यहाँ पर जो ये औरत होगी इस पुरुष का कौन होगा, पत्नी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगी, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, पत्नी। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं।